नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इस YouTube चैनल रेल नॉलेज पे। दोस्तों, आज की जो हमारी ट्रेन जानकारी है वो है भिवानी से पुरानी दिल्ली जंक्शन के बीच चलने वाली पैसेंजर ट्रेन की। और दोस्तों, इस वीडियो की रिक्वेस्ट की है दीपक सिंह ने। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं ट्रेन नंबर 54424 भिवानी पुरानी दिल्ली पैसेंजर ट्रेन की। दोस्तों, यह रोजाना चलने वाली पैसेंजर ट्रेन है जो भिवानी से पुरानी दिल्ली जंक्शन तक की कुल दूरी 119 किलोमीटर को करीबन 31 किलोमीटर प्रति घंटा की एवरेज स्पीड से 3 घंटे और 50 मिनट में तय करती है और इस ट्रेन का 21 स्टेशनों पर ठहराव रहता है। और दोस्तों, इस ट्रेन का भिवानी से पुरानी दिल्ली जंक्शन तक का किराया 30 रुपये रहता है। तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं इस ट्रेन का किन किन स्टेशनों पर ठहराव रहता है और उन स्टेशनों पर इस ट्रेन का टाइम टेबल क्या रहता है। दोस्तों, ट्रेन नंबर 54424 भिवानी पुरानी दिल्ली पैसेंजर ट्रेन रोजाना सुबह में 5 बजे भिवानी जंक्शन से रवाना होती है। और दोस्तों, यहाँ से रवाना होकर यह ट्रेन पहुँचती है भिवानी सिटी 5:04 पे और करीबन 1 मिनट ठहरने के बाद 5:05 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद दोस्तों, ये ट्रेन पहुँचती है बामला 5:15 पे और 1 मिनट ठहराव के बाद 5:16 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद दोस्तों, इस ट्रेन का अगला स्टॉपेज रहता है खरक 5:25 पे यहाँ पहुँचती है और 1 मिनट ठहरने के बाद 5:26 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। दोस्तों, कलानौर कला यह ट्रेन पहुँचती है 5:35 पे और 2 मिनट ठहराव के बाद 5:37 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद दोस्तों, इस ट्रेन का अगला स्टॉपेज रहता है लहली 5:45 पे यहाँ पहुँचती है और 1 मिनट ठहराव के बाद 5:46 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। दोस्तों, रोहतक जंक्शन यह ट्रेन पहुँचती है सुबह में 6:10 पे और करीबन 30 मिनट ठहराव के बाद 6:40 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद दोस्तों, इस ट्रेन का अगला स्टॉपेज रहता है अस्तलबोर जंक्शन 6:46 पे यहाँ पहुँचती है और 1 मिनट ठहरने के बाद 6:47 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। दोस्तों, खारवार यह ट्रेन पहुंचती है 6:54 पे और 1 मिनट ठहराव के बाद 6:55 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद दोस्तों, इस ट्रेन का अगला स्टॉपेज रहता है इस्माइलिया हरियाणा 7:03 पे यहाँ पहुंचती है और 1 मिनट ठहरने के बाद 7:04 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। दोस्तों, सांपला यह ट्रेन पहुँचती है 7:09 पे और 1 मिनट ठहराव के बाद 7:10 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद दोस्तों, इस ट्रेन का अगला स्टॉपेज रहता है रोहाद नगर 7:16 पे यहाँ पहुँचती है और 1 मिनट ठहराव के बाद 7:17 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। दोस्तों, आसोंद यह ट्रेन पहुँचती है 7:23 पे और 1 मिनट ठहराव के बाद 7:24 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद दोस्तों, यह ट्रेन पहुँचती है बहादुरगढ़ 7:33 पे और 1 मिनट ठहराव के बाद 7:34 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद दोस्तों, इस ट्रेन का अगला स्टॉपेज रहता है घेवरा 7:42 पे यहाँ पहुँचती है और 1 मिनट ठहराव के बाद 7:43 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। दोस्तों, मूंड का यह ट्रेन पहुँचती है 7:48 पे और 1 मिनट ठहराव के बाद 7:49 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद दोस्तों, इस ट्रेन का अगला स्टॉपेज रहता है नांगलोई 7:53 पे यहाँ पहुँचती है और 1 मिनट ठहरने के बाद 7:54 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। दोस्तों, मंगोलपुरी यह ट्रेन पहुंचती है 8 बजे और 1 मिनट ठहरने के बाद 8:01 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद दोस्तों, इस ट्रेन का अगला स्टॉपेज रहता है सकूर बस्ती 8:08 पे यहाँ पहुंचती है और 2 मिनट ठहराव के बाद 8:10 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। दोस्तों, दया बस्ती यह ट्रेन पहुँचती है 8:19 पे और 1 मिनट ठहराव के बाद 8:20 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद दोस्तों, इस ट्रेन का अगला स्टॉपेज रहता है विवेकानंदपुरी हाल्ट 8:24 पे यहाँ पहुँचती है और 1 मिनट ठहराव के बाद 8:25 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद दोस्तों, यह ट्रेन पहुँचती है दिल्ली किशनगंज 8:29 पे और 1 मिनट ठहराव के बाद 8:30 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद दोस्तों, यह ट्रेन पहुँचती है अपने लास्ट स्टॉपेज पुरानी दिल्ली जंक्शन सुबह में 8:50 पे और यहाँ तक 119 किलोमीटर की यात्रा तय कर लेती है। तो दोस्तों, ये थी 54424 भिवानी पुरानी दिल्ली पैसेंजर ट्रेन की जानकारी। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं
और अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक व शेयर करना नहीं भूलें। और दोस्तों अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर से दबा लें ताकि चैनल पे आने वाले नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।